कार मेंटेनेंस। आपकी गाड़ी मारुति 800, 1000, ट्रैक्स, पेट्रोल पे चलने वाली हो, या डीजल पे चलने वाली हो, सबका मेंटेनेंस करीबन सरी का रहता है। सबसे पहले आता है गाड़ी की सफाई, इंजन रूम, बॉयनेट साफ कर लीजिए, इंजन अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इंजन पे जो ऑयल रहता है वो कूलिंग में बाधा डालता है, इसलिए इंजन अच्छी तरह से साफ कर लेना है। मैटिन निकाल लीजिए और फ्लोर क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद मैटिन धो के सूखने के लिए डाल दें। गाड़ी पे पानी छिड़किए ताकि मिट्टी के दाग ढीले हो जाए। दो कपड़े पानी में धो लीजिए, जिसमें से एक कपड़ा आपको सूखने के लिए डालना है। दूसरा कपड़ा पानी में भिगो के हल्के हल्के गाड़ी साफ कीजिए। मट्टी कपड़े पे आ जाएगी, कपड़ा फिर से पानी में भिगोइए, मट्टी नीचे चले जाएगी, कपड़ा साफ हो जाएगा। इस तरह से पूरी गाड़ी आपको साफ करना है। सबसे पहले जो सूखा कपड़ा डाला था उससे गाड़ी अच्छी तरह पोंछ लीजिए, जिससे गाड़ी में चमक आ जाएगी। मैटिन वापस अपने जगह डाल दीजिए। सबसे पहले आता है चक्कों में हवा। आमतौर पे कार में 25 से 30 पाउंड तक हवा रहना चाहिए। हर 15 दिन में हवा चेक करना जरूरी है। कार में 25 से 30 पाउंड तक। बड़ी गाड़ियां जैसे कि हेवी पैसेंजर, गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी तथा टायर की कैपेसिटी देखते हुए कंपनी के कहे अनुसार हवा भरना चाहिए। उसी प्रकार लोडिंग गाड़ी में भी कंपनी के कहे अनुसार हवा रखना चाहिए। टायर कंपनियों का प्रेशर का चार्ट आता है। अरे आपकी गाड़ी तो पंक्चर हो गई। सबसे पहले पंक्चर चक्का छोड़ के बाकी चक्कों को आगे पीछे लकड़ी के गुटके या पत्थर लगाना है। बाद में स्टेपनी
व्हील पाना, जैक इत्यादि बाहर निकालिए, क्योंकि जैक में चढ़ने के बाद गाड़ी में झटका लग सकता है। चक्के के नट ढीले कर लीजिए। मजबूत जगह देखते हुए जैक लगाइए, जहां से जैक फिसलना नहीं चाहिए। जैक चढ़ाइए। चारों नट खोल के चक्का बाहर ले लीजिए। स्टेपनी यानी कि स्पेयर चक्का उस जगह पे लगाना है। पैर के दोनों पंजों से उठा के आसानी रहती है। नट लगा दीजिए। नट हमेशा क्रॉस में ही लगाना चाहिए। थोड़ा सा जैक उतारिए, पूरा नहीं, इतना ही कि चक्का जमीन से टिक जाए। अब चारों नट टाइट कर लीजिए। अच्छी तरह से टाइट करना है। गाड़ी में टायर हमेशा अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। टायर पे बनी लाइनिंग रास्ते पे मजबूत पकड़ रखती है। प्लेन टायर चलाना अच्छी आदत नहीं है, जिससे रास्ते पे पकड़ नहीं रहती, टायर फिसल जाते हैं। टायर अगर एक साइड से घसा हो तो समझना चाहिए कि गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बराबर नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक साइड में लाइनिंग दिख रही है, एक साइड में प्लेन है, इसका मतलब यह टायर एक साइड से घसा हुआ है, अलाइनमेंट बराबर नहीं है। व्हील अलाइनमेंट मशीन पर कुशल मैकेनिक द्वारा गाड़ी की अलाइनमेंट की जाती है। व्हील अलाइनमेंट चक्के बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग मशीन, चक्का घुमा के देखते हैं। आउट होने पे कितने वजन की जरूरत है उतनी फिगर वहां आ जाएगी, उतना वजन आपको उस पॉइंट पे ठोकना पड़ेगा जिससे व्हील बैलेंस हो जाएगा। व्हील बैलेंसिंग मशीन We'll be right back.
रेडिएटर, ऊपर टाकी रहती है, नीचे टाकी रहती है और बीच में यह जाली रहती है। नीचे की टाकी में पानी रहता है जो इंजन के जरिए घूम के वापस ऊपर के टाकी में आ जाता है, गर्म होके ऊपर के टाकी में आता है। जब वह पानी इस जाली से गुजरता है तो पंखे की ठंडी हवा उसे लगती है और पानी फिर से ठंडा हो जाता है। यहाँ से गर्म पानी ऊपर आएगा। रेडिएटर में पानी हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, इसे गले तक पानी भर देना है। इंजन अगर गर्म है तो इंजन चालू करके ही पानी डालना चाहिए। गर्म इंजन में इंजन चालू करके ही पानी डाला जाता है। अरे गाड़ी का रेडिएटर लीक हो गया है। इस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पानी खत्म हो जाएगा और गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, जिससे भारी नुकसानी आपको सहना पड़ सकता है। सोल्डर करके इसका लीकेज बंद किया जाता है। आजकल नए गाड़ियों में पानी की जगह कूलेंट डाला जाता है, जो इंजन ठंडा रखने में ज्यादा कामयाब हुआ है। यहाँ लो और हाई मार्किंग दिख रही है। इंजन ऑयल गेज निकालिए। वापस गेज निकालिए। ऑयल के लेवल का पता चल जाता है। ऑयल लेवल कम है, इसे ऑयल डाल के लेवल बराबर करते रहना है। 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना पड़ता है, इसे कहा जाता है ऑयल चेंबर। इंजन ऑयल इस ऑयल चेंबर में जमा रहता है। यह नट खोल के, ड्रेन नट खोल के यहाँ से ऑयल उतारा जा सकता है। हर 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना जरूरी है। ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी बदलना चाहिए। ऑयल फिल्टर